जमान और वसीम जूनियर में से आई थिंक मेरे ख्याल में ये जमान पे शुरू में जाएंगे, हालांकि वसीम जूनियर का जैसा वर्ल्ड कप था, आई थिंक दिस इज यू नो ऑल अबाउट द कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। आई थिंक यू शुड स्टार्ट यू नो फर्स्ट फ्रॉम द फर्स्ट मैच। मेरी राय है, आप ही कराए, आप तो कवर करके आए वर्ल्ड कप। मैं कहूंगा कि वसीम जूनियर वाज अमेजिंग और हमको ये रिग्रेट करते हैं काश के पहले खेल जाता, उसको टाइम लगा एडजस्ट करने में, लेकिन उसके पास जो रिवर्स स्विंग का जो वो है ना अपना जो वेपन है जी जी, वो चीज जो है वो हर बॉलर में नहीं है, स्पेशली मतलब ऑब्वियसली हारिस और शाहीन को हटा के जो नीचे आगे पास है लाइनअप बॉलिंग का, उसमें वो एबिलिटी हर किसी में नहीं है, ठीक है। लेकिन जमान आई थिंक जमान को एक हमें जो है ना वो एक सॉलिड स्मूथ रन देना चाहिए मेरे हिसाब से। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप हारिस रऊफ को ऊपर नीचे कर लो, लेकिन वो खैर अच्छे खासे रेस्ट भी करके आ रहे हैं। मेरे ख्याल में तीन मैचेस के बाद आप खुल के एक्सपेरिमेंट करो, रिगार्डलेस कि आप जीतने के हार रहे हैं। बिल्कुल, और आई आल्सो बिलीव कि जमान और वसीम जो है ना थोड़े से सिमिलर बॉलर्स भी हैं, तो इनको साथ साथ लेके चलना भी डिफिकल्ट होगा, क्योंकि दोनों थोड़े से पुराने बॉल के साथ बॉलिंग के स्पेशलिस्ट हैं दादा। बिल्कुल, लेकिन जमान को ज्यादा मैचेस मिलने चाहिए, अभी न्यूजीलैंड सीरीज में नहीं तो भले आप जो आगे सीरीज आ रही है उसमें उसको ज्यादा मैचेस मिलने, क्योंकि जिस तरह उसने अभी बिग बैश में बॉलिंग कराई है वो अनप्लेएबल किस्म का बॉलर हो सकता है। और लेट्स सी, क्योंकि मेरे जिम में कोई चीज भी है कि नॉट लेट्स नॉट एक्सपोज जमान खान, मतलब उसको ना आप ज्यादा ना दिखाएं दुनिया को, मैं ये भी कहता हूँ थोड़ा सा उसको ना एक छुपे हुए एलिमेंट के तौर पर रखें, एक आध मैच के लाकर उसकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करें और उसको तैयार करें बड़े स्टेज के लिए, बिकॉज उसका जो स्लिंगिंग एक्शन है, उसके जो यॉर्कर की एक्यूरेसी है, द पीएसएल में जो बच्चे ने जिस तरह का टेम्परामेंट दिखाया यार कि वो आखिरी ओवर में शाहीन उसको बैक कर रहा है, खुद उसको उसको चांस दे रहा है, फिर वो डिलीवर कर रहा है, रन डिफेंड किए उन्होंने, हां बिल्कुल, और बहुत मजे से किए, फाइनल ओवर में मतलब बहुत ही लुक लाइक, वो कहते हैं ना आई थिंक ये अच्छी बात भी सर आपने कहा ना कि छुपा के लेके चलो, आप हर बॉलर को इसी तरीके से कम खिलाओ, और आप फिर वेस्ट इंडीज में यूएस मैनेजमेंट भी होती रहे।